यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू जबरदस्त गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस गेम प्ले वीडियो में आप देख सकते हैं अपन ने कैरेक्टर किस तरीके से लौटा रखा, मतलब एकदम खतरनाक स्टंट कर रहा। और अपना कैरेक्टर देख सकते हैं किस कदर तकड़ा और साथ में गर्दन भी हिला रहा और ट्रैक्टर अपने ऊपर चढ़वा रखा, मतलब एकदम खली पहलवान हो रखा पूरा। तो दोस्तों, ट्रैक्टर उतारते हैं इसके ऊपर से। और दोस्तों, आज आप सभी को कई ट्रिक्स अपन बताने वाले, तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर से वॉच करना। तो भाई लोग, ये कैरेक्टर इस तरीके से किस तरह से लाया गया, तो भाई लोग इसका इलाज ही मैं आप सभी को बताऊंगा। ओके, तो भाई लोग उससे पहले अपन वीडियो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। साथ में दोस्तों कुछ चीज और बताता हूँ मैं दोस्तों आज आपको एंड में, एक सरप्राइज वाली। तो दोस्तों एंड तक वीडियो जरूर से वॉच करना और नोटिफिकेशन बेल सारे भाई ओपन कर लेना, क्योंकि दोस्तों लॉन्च डेट न्यू अपडेट की मैं बहुत ही जल्द आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। ओके, बाकी दोस्तों इसके लिए अपन को करना होगा करेक्टर वाली चीज लानी होगी, जैसे कि दोस्तों अपन स्प्लेंडर या फिर RX100 ले आते हैं। ओके, बहुत दिन से RX100 भी नहीं चलाई, तो दोस्तों करेक्टर पर करेक्टर अभी देख सकते हैं आप, एकदम खतरनाक करेक्टर। ओके, बाकी बाइक्स वाली इस पर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, कुछ मतलब तगड़ी तगड़ी चीज़ें लगा लेते हैं, जैसे कि दोस्तों ये मतलब पुलिस लाइट वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों अपने पास, मतलब रियर ग्रिप हटाने का सिस्टम और मतलब बहुत सारी चीज़ दोस्तों अपने पास अवेलेबल है, मतलब जितनी ज़्यादा मतलब एकदम खतरनाक खतरनाक चीज़ें। और दोस्तों टायर लाइटिंग भी है, तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं। और साथ में व्हील्स तो अपन चेंज कर ही सकते हैं। ओके भाई लोग, तो भाई लोग व्हील्स भी अपन ने चेंज कर दिए, तो दोस्तों लुक चेकआउट आप कर ही सकते हैं। और इसका कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं, दोस्तों अपन इसका कलर रेड कर देते हैं। ओके, तो रेड कलर में देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रही है। और रही बात इसकी फ्रंट हेडलाइट की, तो दोस्तों हेडलाइट भी अपन इसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, मतलब हेडलाइट भी काफ़ी तरह की अपन इसमें हेडलाइट लगा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये वाली हेडलाइट कैसी लग रही, कमेंट सेक्शन में जोर से बताना। तो इसके लिए दोस्तों अपन को जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। ओके, मतलब क्योंकि अपन को क्या है, टक्कर मारनी है किसी चीज़ में, तभी अपने कैरेक्टर कई सारे इकट्ठे होंगे, काफ़ी मेहनत का काम है। लेकिन दोस्तों आपको भी ये ट्रिक सेम करनी है, मतलब जो मतलब एकदम खतरनाक तरीके से सिस्टम कर सकते हैं कि भाई मैंने ये मतलब एक्सीडेंट कर दिया वगैरह वगैरह, तो दोस्तों इस टाइप से कुछ। ओके, तो अब ये वाला मोड अपन खोल लेंगे, मतलब इस टाइप से, और इस टाइप से तब ड्राइव करेंगे। ओके दोस्तों, तो ड्राइव करते हुए देख सकते हैं दोस्तों अपन ने ये सामने अपन को घर में टक्कर मारनी किसी तरीके से। ओके, जैसे ही दोस्तों अपना करेक्टर गिरेगा, ओके जैसे ही ये गिरा, तो दोस्तों अपन को तुरंत मतलब स्पाम कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने दो करेक्टर हो चुके हैं और दोनों लेटे पड़े, देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से। ओके, तो कुछ इस टाइप से अपन को करना, दोबारा फिर पीछे ले जाओ ऐसे ही जितने मर्जी चाहो, 1000 2000 3000, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो भाई लोग इस चीज़ से आप खुद देख लेना, ओके इस चीज़ को। लेकिन आप दोस्तों इस टाइप से कभी कई सारे करेक्टर इकट्ठे कर सकते हो, जितने मर्जी चाहते हो, मतलब उतने सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें कि मतलब कोई लैग इशू आएगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ओके, तो ये एक मतलब एक नए टाइप का ग्लिच बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों जो आप बोलना चाहें। ओके, बाकी दोस्तों एक बार दोबारा से अपन टक्कर मारते हैं और देख सकते हैं दोस्तों अपन ने खतरनाक टक्कर ये अपन ने मारी है और ये करेक्टर दोस्तों गिरा है और ये अपन ने दोबारा स्पाम कर दिया। ओके, तो दोस्तों इस टाइप से देख सकते हैं अपन ने तीन करेक्टर तो इकट्ठा कर लिए दोस्तों। अब एक बार एक और कर लेते हैं, पूरे चार हो जाएंगे और एक मोटरसाइकिल पर, तो पूरे पांच भाई। ओके, तो कैसा सिस्टम रहेगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जोर से बताना, एकदम जबरदस्त है या फिर नहीं। ओके, और रही बात दोस्तों गेम में करेक्टर कब आएगा इस बारे में बात करें, तो दोस्तों करेक्टर आने में यार अभी थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितने अपडेट के बाद आने वाला है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। एक वीडियो में अपन सिर्फ कैरेक्टर पर ही डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो भाई लोग आगे बहुत बहुत तगड़ी चीज़ आने वाली, लेकिन यार समय बहुत ज़्यादा लगता, मतलब थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता बस, तो भाई लोग थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। तो एक बार फिर से टक्कर ही अपन ने मारी, लेकिन इस बार कैरेक्टर नहीं गिरा, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी वजह ये हो गई क्योंकि अपन ने ज़्यादा खतरनाक तरीके से टक्कर नहीं मारी ना इसी वजह से। तो भाई लोग चार भाई हैं यही बहुत है, तो लेकिन फिर भी उतर चुका है दोस्तों, यदि अपन और इकट्ठा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों एक न्यू ग्लिच और ऐड हुआ है दोस्तों, वो ट्रैक्टर पर अपना काम करेगा, तो अपन लाते हैं दोस्तों स्वराज को। ओके, और AI व्हीकल स्टार्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों AI व्हीकल भी आ चुका है, इस पर लगाएंगे दोस्तों अपन थ्रेसर। ओके, तो दोस्तों पहले सिर्फ अपन इस टाइप से बिग ट्रॉली लगाई और दूसरे ट्रैक्टर पर गए और यहाँ से बिग ट्रॉली का ट्रिक हटाया और इस पर गए और दोस्तों यहाँ से बिग ट्रॉली का ट्रिक लगा दिया। तो दोस्तों इस टाइप से अपन ट्रैक्टर ट्रॉली हटा सकते थे सिर्फ, लेकिन दोस्तों अब उस टाइप से अपन थ्रेसर भी हटा पाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ही खतरनाक सीन हो जाएगा, मतलब एकदम
जबरदस्त वाला, मतलब पूरा ही खतरनाक सीन, तो एकदम तकड़ा वाला सीन जो है दोस्तों वो अपना हो जाएगा। बाकी दोस्तों देख सकते हैं ट्राली को छुटाने के बाद आराम से टोचन करो, जो मर्जी चाहे वो करो, मतलब एकदम सही सिस्टम पूरा खतरनाक। तो भाई लोग इसको लेकर चलते हैं ट्रैक्टर को अपने कैरेक्टर्स के पास। तो कैरेक्टर यार एक सिस्टम यार अगर इस टाइप से ग्लिच होता ट्रैक्टर वगैरह पर बैठने का तो दोस्तों अपन जरूर करते, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कुछ ग्लिच है नहीं, मतलब अभी सिर्फ नॉर्मली सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों अभी कैरेक्टर इनके लिए अवेलेबल नहीं हुआ है ना इसी वजह से। ओके तो दोस्तों अब सेम ही चीज़ करने वाले हैं अपन दोस्तों अपने थ्रेसर के साथ। ओके तो ये हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। ओके मतलब यहाँ से दूर रहेगा। और दोस्तों अब जाएंगे तो यहाँ से बिग ट्रॉली हटा लेंगे और अपन लगाएंगे थ्रेसर। और दोस्तों अब जाते हैं दूसरे ट्रैक्टर पर, दूसरे ट्रैक्टर पर जाएंगे वैसे ही अपन थ्रेसर का टिक हटा देंगे और दोस्तों फिर अपने जिस पर थ्रेसर लगा हुआ उस पर। ओके और इस टाइप से अपन यहाँ से थ्रेसर पर टिक करके आराम से थ्रेसर को हटा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अपन ने थ्रेसर हटा दिया और साथ में दोस्तों अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से अपन दोस्तों अपन इसमें एक ट्रॉली लेंगे इसके साथ में। तो दोस्तों अपने फाइनली ट्रॉली भी लगा दी है और दोस्तों देख सकते हैं अपनी घाई मशीन जो थोड़ी सी पीछे चली गई मतलब पहले से। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा आगे करके और दोस्तों इसको बिल्कुल इसके जहाँ पर दोस्तों इसमें से भूसा गिरता उसके लेवल में अपन लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या ही तकड़ा सीन है, मतलब एकदम खतरनाक। ओके तो इस टाइप से कुछ भूस गिरने के लिए। ओके दोस्तों और साथ में दूसरे ट्रैक्टर पर दोस्तों जा करके अपन आराम से उस ट्रैक्टर को इसके आगे लगा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार सीन हो जाएगा दोस्तों ये देखो, मतलब देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों घाई मशीन से मतलब कुछ चीज़ निकल रही हो, तो इसमें कुछ वेस्टेज वगैरह गिरने का सिस्टम है ऐसा कुछ। तो दोस्तों इसे ऑन करने का सिस्टम भी दें या फिर नहीं इसके बारे में भी ज़रूर से बताना, या फिर दोस्तों ये थ्रेसर चेंज होना चाहिए या फिर नहीं। ओके बाकी यदि बात करें दोस्तों अपने टिलर वगैरह की, तो यार ये टिलर वगैरह का जो सिस्टम है यार ये नहीं हट पाता, मतलब ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो दोस्तों ये इनमें क्या है कि इनमें कुछ अपना खुद का जुगाड़ नहीं कुछ ऐसा, तो इसी वजह से। ओके तो दोस्तों यहाँ से अपन जाएंगे और दोस्तों यहाँ से अपन हैरो पर जैसे ही अलग क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पर जाकर दोबारा हैरो पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हैरो नहीं हट पाती, देख सकते हैं दोस्तों अपन, मतलब कुछ भी कर लें हैरो नहीं हट पाएगी, मतलब हैरो प्लाओ कल्टीवेटर या जितने भी सारे व्हीकल्स हैं बस तीन ही चीज़ें हट सकती हैं, ट्रॉली बिग ट्रॉली। तो भाई लोग इनको हटाने लगाने का सिस्टम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए रूटावेटर वगैरह को, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़ोर से बताना इनके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है। ओके मतलब जो भी आप सभी का ख्याल है ज़रूर से बताना। ओके ताकि अपन मतलब इसमें कुछ ना कुछ सुधार कर सकें दोस्तों इसकी मतलब इस चीज़ों में। ओके बाकी दोस्तों ट्रैक्टर की लोग अपन एकदम ब्रॉड वाली भी बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों एक चीज़ और याद आप सभी से डिसीजन लेना था दोस्तों गैराज मोड के बारे में, तो भाई लोग गैराज मोड के बारे में ये डिसीजन लेना था कि भाई सारी सेटिंग्स अपन गैराज मोड में डाल दें कि मतलब गैराज से ही सब कुछ हो सके, बाकी सारी सेटिंग्स गायब कर दें, मतलब कहीं भी अपन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते सिर्फ गैराज मोड में ही कर पाएंगे। तो भाई लोग ये वाला सीन बताना कि आप सभी को ऐसा सीन करवाना है गेम में या फिर नहीं। ओके इसके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है। बाकी दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय टाटा एंड लव यू दोस्तों।